गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग रेट ला देखे थे, रेट कांस्टेंट हम लोग देखा कि रेट कांस्टेंट क्या है और रेट ला कैसे हम लोग लिखते हैं। आज हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जानेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हमको रेट ला की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ा रेट ला, उसके बाद रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट हमारा डिपेंड करता है रिएक्शन की नेचर और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। तो आज हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जानने की कोशिश करेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है। कंसीडर ए जनरल रिएक्शन M1A + M2B + M3C इज इक्वल टू प्रोडक्ट। हम यहाँ पर कोई जनरल रिएक्शन मान ले रहे हैं कि M1A + M2B + M3C इज इक्वल टू प्रोडक्ट। इसको हम इस इक्वेशन का हम रेट लिखने की कोशिश करेंगे। कंसीडर ए, या लेट अस कंसीडर एक्टिव मास ऑफ A, B and C। Consider a active mass of A, B and C is alpha, beta and gamma respectively। हम यहाँ पर ए बी सी डी का हम एक्टिव मास कंसीडर करें, अल्फा बीटा एंड गामा। जब भी हम रेट लिखते हैं तो एक्सपेरिमेंटली इक्वेशन का हम रेट लिखते हैं। तो यहाँ पर अगर हमको रेट लिखना होगा तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट ए के पावर अल्फा, बी के पावर बीटा एंड सी के पावर गामा। देन रेट इज इक्वल टू के एक्टिव मास ऑफ ए पावर अल्फा, एक्टिव मास ऑफ बी के पावर बीटा एंड एक्टिव मास ऑफ सी के पावर गामा, वेयर के इज इक्वल टू के हमारा क्या है, रेट कांस्टेंट है। रेट इज इक्वल टू के एक्टिव मास ऑफ अल्फा, एक्टिव मास ऑफ बीटा, एक्टिव मास ऑफ सी के पावर गामा। अब यहां पर हम अगर पूछा जाए कि यहां पर अल्फा क्या है, बीटा क्या है और गामा क्या है, तो वेयर अल्फा इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए। यहाँ पर हम अल्फा बीटा गामा जानने की कोशिश करेंगे कि अल्फा इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बीटा इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी एंड गामा इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू सी। यहाँ पर ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है, अल्फा है, बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है, बीटा है, सी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है, गामा है। तो देन ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो हम रिएक्शन ये कंसीडर किए थे, इसका ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।
तो हम हेडिंग लगाए थे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है क्या, तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। सबसे पहले हम कंसीडर किया M1A प्लस M2B प्लस M3 इज इक्वल टू प्रोडक्ट। इसका रेट लिखने की कोशिश किया, रेट इज इक्वल टू के ए का एक्टिव मास के पावर अल्फा, बी का एक्टिव मास के पावर बीटा, सी के एक्टिव मास के पावर गामा। अगर अल्फा बीटा एंड गामा इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए बी एंड सी। हम एक एक्सपेरिमेंटल रिएक्शन लिया। ऑर्डर लिखने के लिए ऑर्डर जब भी हम डिटरमाइन करते हैं तो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर अगर हमको लिखना होगा तो हम एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम ऑर्डर लिखते हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज पावर ऑफ सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन। इसको अगर डिफाइन करना होगा तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज सम, क्या किए हैं यहां पर हम सम किए हैं, सम ऑफ पावर ऑफ क्या कंसंट्रेशन, सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म इन्वॉल्व, टर्म इन्वॉल्व दी रेट ला एक्सप्रेशन, दी रेट ला एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज सम ऑफ पावर, सम कर रहे हैं पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म इन्वॉल्व द रेट ला एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहां पर हमारा ए बी सी के पावर क्या था, अल्फा बीटा और गामा था, इसी को क्या किया है सम कर दिया। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमको निकल गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन इन्वॉल्व द रेट ला एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, ऑर्डर को हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं। ऑर्डर कैन बी नेगेटिव पॉजिटिव 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ऑर्डर हमारा नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, फर्स्ट भी हो सकता है, सेकेंड भी हो सकता है। ऑर्डर कैन बी ऑलवेज कैलकुलेटेड बाई एक्सपेरिमेंटली, ऑर्डर को हम एक्सपेरिमेंट करके हम कैलकुलेट करते हैं। ऑर्डर को जानने के लिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को समझने के लिए हमको रेट ला की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम रेट ला लिखेंगे और रेट ला लिखने के बाद कंसंट्रेशन के पावर कितना है उसी को हम क्या करते हैं सम कर देते हैं। इसीलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिफाइन किया कि सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन इन माल द रेट ला एक्सप्रेशन इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर मे बी पॉजिटिव नेगेटिव 0 फ्रैक्शनल। ऑर्डर कैन बी कैलकुलेटेड बाई एक्सपेरिमेंटली। इसके बाद एक क्वेश्चन एराइज होता है, हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मालिकुलरिटी। तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट किया जाए कि मालिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या डिफरेंस है। तो इधर हम क्या लिखेंगे, एक कॉलम बनाएंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का, दूसरा कॉलम हम बनाएंगे मालिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन का। मालिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन भी हम पढ़ चुके हैं, मालिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज
रिएक्टिंग स्पीसीज मीन्स एटम आयन या मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट इन एलिमेंट्री रिएक्शन इन विच मोस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली इज नोन एज, क्या बोलते हैं उसको, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। मॉलिक्यूलरिटी कैन बी ऑलवेज थ्योरेटिकल, बट यहां पर अगर देखा जाए इट कैन बी एक्सपेरिमेंटली, इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय एक्सपेरिमेंटली या प्रैक्टिकली। इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहला डिफरेंस हो जाएगा इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय एक्सपेरिमेंटली, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय थ्योरेटिकली, इसको हम थ्योरेटिकली डिटरमाइन करते हैं और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं। सेकेंड हमारा हो जाएगा ऑर्डर, या इट मे बी नेगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शन फ्रैक्शनल एंड फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड एंड सो ऑन, बट मॉलिक्यूलरिटी या इट मे बी 1, 2 and 3, मॉलिक्यूलरिटी 1, 2 and 3 तक ही सीमित होती है, 3 से ज़्यादा नहीं होती। इसका रीजन हम पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। तो ये हमारा डिफरेंस है। उसके बाद ऑर्डर में भी अगला हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे, ऑर्डर में भी कैलकुलेटेड एलिमेंट्री रिएक्शन एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ऑर्डर में भी कैलकुलेटेड एलिमेंट्री रिएक्शन एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बट मॉलिक्यूलरिटी मे बी कैलकुलेटेड ओनली एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब होता है वे रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में ही प्रोसीड हो, सिंगल स्टेप में ही केवल कंप्लीट हो, उसको हम एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मोर देन वन स्टेप, एक से ज्यादा स्टेप में जो कंप्लीट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। एक ही स्टेप में कंप्लीट होगा उसको हम एलिमेंट्री रिएक्शन लिखते हैं। हमेशा ऑर्डर हम डिटरमाइन करते हैं स्लो स्टेप का और एक्सपेरिमेंट करके हम डिटरमाइन करते हैं। यहाँ भी जब मॉलिक्यूलरिटी हम डिटरमाइन करेंगे तो एलिमेंट्री रिएक्शन का, और एलिमेंट्री रिएक्शन में भी जो स्लो रिएक्शन होगा उसी का हम मॉलिक्यूलरिटी डिटरमाइन करते हैं। मॉलिक्यूलरिटी ऑलवेज 1, 2 and 3, बट ऑर्डर मे बी नेगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शनल फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड सो ऑन। तो ये हमारा मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर में हमारा क्या था, कुछ डिफरेंस था। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटरमिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बाय इंटीग्रेटेड मेथड। तो इसमें हम लोगों को जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर केवल हमको पढ़ना है। थैंक यू।